नमस्कार, मैं सियाजे और आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज लेकर के आया हूं एक और ड्राइंग और एक और नया वीडियो। आज का जो ड्राइंग है ये वाला, आप देखिए, ये वाला एक मिरर है और उसके ऊपर ये वाली एक जो आप देख रहे हैं वुड की ट्रे, इधर जो फोटो में इस तरह की ये ट्रे है ये लगी हुई है। तो ये किस तरह से इस पे फिटिंग हुई है और किस तरह से ये बनी है और इसमें जो इसकी डिटेल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही खास चीज है इसमें आपके लिए समझने के लिए। तो वीडियो जो ये ड्राइंग वाले वीडियो हैं वो वीडियो लंबे ही होते हैं, तो जब भी आपको शांति से टाइम हो तब देखें तो ही आपको समझ में आएंगे। भागदौड़ में है वो आधा अधूरा देखने से कुछ समझ में आएगा नहीं, टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। ये शांति से जब टाइम हो तो देखें, वरना ना देखें कोई बात नहीं है, टाइम खराब करके कोई मतलब नहीं है, आधा अधूरा देखिए। तो चलिए अभी वीडियो में चलते हैं और वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें अगर पसंद आता है तो, और दूसरे लोगों को शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो आपको मिलने वाले हैं बहुत ही अच्छी जानकारी वाली, क्योंकि ऐसी जानकारी है वो हर कोई YouTube पे देता नहीं है और मिलती भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारा टाइम लगता है, तब जाके ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो चलिए अभी वीडियो में चलते हैं बिना देरी के और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए अभी ड्राइंग में चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज का जो वीडियो है ये वाला एक पूरा मिरर है और ये इसका पूरा जो है वो मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लान में। अब देखिए प्लान इसका ये है, बिल्कुल ही छोटा सा, यानी दो लाइन ऐसे हो गई और ये हो गया इसका प्लान, यानी 570 इसकी चौड़ाई है और 22 mm इसका ये वाला मोटाई हो गई। अब ये वाली प्लान है, प्लान ये इतना छोटा क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये जो ये है ये वाल पे लगने वाला है, क्योंकि मिरर हमेशा वाल पे ही लगता है। अगर मान लीजिए बाय चांस यही मिरर अगर नीचे जमीन पे कहीं लगा होता टाइल की तरह, तो ये वाला जो इसका एलिवेशन है वो फिर उसका प्लान हो जाता, लेकिन अभी ये वाल पे लगने वाला है, इसलिए जो प्लान है वो किसी चीज का ऐसे ऊपर से फोटो खींचते हैं, जैसे इसका पेन का खींचेंगे ना, तो ये पेन का जो ऊपर का गोल जो जितना मोटा है ये वाला इसका प्लान ऐसा आएगा अगर ये खड़ा है तो, अगर आड़ा हो गया तो फिर प्लान ऐसे लंबा हो जाएगा जैसे ये इसका हो गया। अब इसके बाद में देखिए चलते हैं, इसके ये वाला एलिवेशन है और इसमें ये सेक्शन काटा हुआ है। अब ये वाला इसकी सामने से एलिवेशन में देखते हैं तो इसकी ये लंबाई जैसे 1500 है, अंदर अंदर 1430 है, ऐसे में 570 है, अंदर अंदर 500 है, ये वाली हो गई। और फिर देखिए ये कोने पे दिया हुआ है R50। अब R50 रेडियस 50, यानी ये गोलाई है ये 50 mm का रेडियस है। तो ये काटने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ 50, यहाँ से यहाँ 50, ये जो कोना बनता है यहाँ पे दोनों कट एक दूसरे को काटते, वहाँ से प्रकार घुमाएंगे तो वो वाला जो प्रकार घूमेगा वो वाला उसका रेडियस हो गया 50। तो ये R50 जहाँ पे भी ड्राइंग में R के आगे जो अक्षर लिखा हो, R का मतलब रेडियस होता है, ये वाला लेते हैं। अब ये हो गया इसका सेक्शन। अब आगे देखिए ये वाला दिया है सेक्शन। अब सेक्शन है, सेक्शन में देखिए हमको क्या दिख रहा है, आप देखिए यहाँ से ये खाली बस ये पतली पट्टी लाइन सी, और इसके अलावा ये 200 दिख रहा है और ये 195 प्लस 5 तो हो गया 200 और ऐसे में 40। तो देखिए इसमें जो दिख रही है ये जो हमें एलिवेशन में दिख रहा है ऐसे में 570, और ये वाला जैसे इसका जो भाग है वो 200 बाहर निकल रहा है और बाकी का इसके अंदर जा रहा है, ये चीज़ दिख रही है। तो ये हमको इसकी हो गई चौड़ाई, ऐसे में हो गई इसकी चौड़ाई, तो ये चौड़ाई हमें दिख रही है। अब यहाँ पे क्या दिख रही है, ये 200 क्या दिख रही है, ये जब कोई भी चीज़ है ये ऐसे पड़ा है और फिर जब इसको ऐसे करेंगे और इसके आगे कोई चीज़ जो निकली होगी तो वो उसकी लंबाई, जैसे ये ट्रे है तो ये ट्रे जैसे यहाँ से यहाँ इसकी जो लंबाई है इसके बाहर जो चीज़ निकली है वो दिख रही है। तो ये मान लीजिए ये ऐसे है और यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे लगी हुई है तो वो इसकी होगी, तो वो इसकी लंबाई होगी, यानी जो बाहर निकला हुआ है ऐसे पलटते ही वो चीज़ होगी। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब ये डिटेल एक दी हुई है, अब डिटेल में जाएंगे
अब सेक्शन का मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं एक चीज। देखिए ये सेक्शन यहाँ पे काटा है तो ये सेक्शन ऐसा क्यों दिख रहा है हमको, यानी ये जिधर एरो मार्क है ये वाला हिस्सा हम ये देख रहे हैं, तो यहां से ये सेक्शन काट दिया। यहां पे खड़े होके जब हम इसको साइड से देखेंगे ना तो वो उसका सेक्शन हो गया, ये वाला अलग हो गया। यहां से हमको क्या क्या दिखता है वो चीज ये यहां पे है। अब इसकी डिटेल दी हुई क्योंकि ये है वो इतना हो गया तो इसमें समझ में नहीं आ रहा, यहां पे ये डिटेल निकाल दी, फिर ये डिटेल दो यहां पे दी हुई है। अब ये डिटेल में हम देखेंगे यहां क्या क्या है, तो ये डिटेल में देखिए ये वाला इसका जो लकड़ी का जो है वो हो गया 22x35 mm टीक वुड ये वाली, फिर ये आर चार यानी यहाँ पे 4 mm की गोलाई है ऐसे में 22 हो गया, पीछे से 25 है टोटल, ये यहाँ से यहाँ 35 है और हल्का सा देखिए ये गोलाई भी है साथ में, ये चीज़ हमको इस यहाँ पे दिखने को मिल रही है। फिर ये वाला मिरर हो गया, मिरर के पीछे ये वाली है ये एक 6 mm थिकनेस MDF है और ये वाला जो है 6x10 mm का वुड बीडिंग है, ये बीडिंग हो गई इनको रोकने के लिए, ये चीज इसमें दिख रही है। अब एक छोटी सी चीज मैं और बता दूं, जैसे यहां पे हम देख रहे थे ये वाला 50 mm का रेडियस है, अब ये जो दिया हुआ है ये देखिए यहां पे ये लाइन 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 ये जो दी हुई है ना, जब कोई चीज गोल होती है और गोल का जब हम साइड से देखते हैं ना, जब भी हम साइड से देखेंगे ना किसी गोल चीज को तो ये वाला जो दिख रहा है ये लाइन ऐसी ड्रॉइंग में है वो इस तरह से दिखाई जाती है उसको गोलाई को दिखाने के लिए। तो जब भी ऐसे आपको लाइन दिखे ना तो जितनी नजदीक लाइन हो समझ लेना गोलाई उतनी ही ज्यादा है, और लाइन जितनी ऐसे दूर दूर होगी उतनी ही बड़ी गोलाई होगी, ये भी मैं आपको बताता हूं उसको एक समझने के लिए माइंड में इस तरह से होता है। फिर चलते हैं इसका डिटेल दो, देखिए ये वाला डिटेल दो दिया हुआ है। अब डिटेल दो में है ये यहां से लिया हुआ है, मतलब यहां से लिया हुआ डिटेल, ये हमको इसका ये जो हिस्सा है ट्रे का ये हिस्सा हमें दिख रहा है यहां पे, जो ये लंबाई जो इसकी है ना ये दिख रही है यहां से, और ये यहां पे ये अपना जो पीछे का ये दिखाया ना ये वाला, जैसे ये वाला मिरर हो गया, फिर पीछे MDF हो गया, ये बीडिंग हो गया, ये सब चीजें ये दिख रही हैं। अब इसमें ये वाला बाहर 195 यानी ये यहां से यहां ऐसे देखेंगे तो यहां से यहां मान लो ये 195 इसके अंदर अंदर है और 5 mm का ये इसका बॉर्डर है, तो ये 5 mm का ये बॉर्डर यहां पे दिखा दिया, ये 30 mm ऐसे टोटल है और ऐसे में 200 है कांच से बाहर निकल रहा है, यानी ये इसके पीछे कांच है उससे 200 है। तो ये वाली डिटेल दोनों में आपको समझा दिया हूं, तो पूरा मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके, और दूसरे लोगों को शेयर भी कर दें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।